एक्सट्रीम हेयर फॉल को खत्म करने के लिए आज आपके साथ में एक बहुत ही यूजफुल रेमेडी आपके साथ में शेयर करूंगी, जो आपके इस एक्सट्रीम हेयर फॉल को तुरंत आपके हेयर में कम करेगी और आपके हेयर की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में काफी अच्छे से हेल्प करेगी। साथ ही ये आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगी, जिसकी वजह से आपका ये जो एक्सट्रीम हेयर फॉल है वो रुकेगा और आपके बालों में घनापन आएगा। साथ ही ये आपके बालों में गंजापन को खत्म करेगी, क्योंकि अगर हमारे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं तो वो हमारे बालों में गंजेपन की समस्या क्रिएट करने में हमारी बहुत ही मदद करता है, अगर हम अपने एक्सट्रीम हेयर फॉल को समय से पहले नहीं रोकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में ये एक्सट्रीम हेयर फॉल जो काफी समय से आपके हेयर में हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी आपके साथ में शेयर करूंगी। हमारे हेयर में हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीजन यही होता है कि हम अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन रखते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना। अगर हम अपने बॉडी में ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, प्रोटीन की कमी का होना या कैल्शियम की कमी का होना, आयरन की कमी का होना, बहुत ही सारी समस्याएं होती हैं हमारे हेयर में एक्सट्रीम हेयर फॉल को क्रिएट करने में। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि हम सबसे पहले अपनी बॉडी में बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड अपनी बॉडी को रखें और हमारे खान पीन में ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करें जो हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स दे, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे बालों पर है वो क्रिएट ना हो, जो हमें पूरी तरीके से इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर सके कि हम अपने बालों की भी बहुत अच्छे से केयर कर सकें और अपनी स्किन की भी बहुत ही अच्छे से केयर कर सकें। तो आज की इस रेमेडी को आप पूरा जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आप अपने बालों के एक्सट्रीम हेयर फॉल को रोक सकते हैं, साथ ही आपके बालों को जड़ से मजबूत बना सकते हैं और आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाकर, आपके बालों को मजबूती देकर, आपके बालों को हेल्दी बनाकर, आपके बालों को ठीक बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हमें चाहिए जो इजीली हमारे लिए हमारे घर की किचन में अवेलेबल है, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद हम पैन को गैस पर रखेंगे, जिसमें हम आधा ग्लास के अप्रोक्स पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ी क्वांटिटी में ही प्रिपेयर करना है, इसीलिए हम यहाँ पर आधा ग्लास पानी लेंगे। आधा ग्लास पानी लेने के बाद इसको अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें एक चम्मच नाइजीला सीड्स डालने हैं, जिसको हम कलौंजी भी बोलते हैं। कलौंजी हेयर की जो री ग्रोथ है उसको करने में बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में और ये स्कैल्प को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत बनाता है। कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हेयर की स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साथ ही हेयर फॉल को रोकता है। सेकंड, इसमें हमें डालना है करी पत्ते। यहाँ पर ड्राई करी लीफ मैं यूज कर रही हूँ, 8 से 10 हम यहाँ पर ड्राई करी लीफ डालेंगे, जो कि हमारे बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है, हमारे बालों की थिन क्वालिटी को थिक बनाता है, साथ ही हमारे बालों के ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को खत्म करता है और हमारे बालों की री ग्रोथ बहुत तेजी से करता है। अगर हमारे हेयर की ग्रोथ रुकी हुई है तो ये हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाना काफी तेजी से स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में बहुत ही घनापन आता है और हमारे हेयर फॉल को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, हमें इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां चाहिए। आप स्मॉल साइज की हो, स्मॉल साइज की आप 4 लीजिए, अगर आपके पास बड़े साइज की है तो आप यहाँ पर 2 कलियां इसके यूज कीजिए। लहसुन हमारे हेयर की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ाना स्टार्ट करता है। इसमें विटामिन सी, B6, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे हेयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, साथ ही ये हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं हमारे हेयर को हेल्दी बनाने के लिए और हमारे हेयर में बहुत ही अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा, जिसकी वजह से हमारे हेयर की जो स्कैल्प है उसमें बहुत ही अच्छे से ब्लड फ्लो बढ़ता है और वो हमारे हेयर की स्कैल्प को मजबूत बनाता है। इसके यूज से हमारे हेयर की जो स्कैल्प है उसको बहुत ही अच्छे से पोषण मिलता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की स्कैल्प जो है वो बहुत ही तेजी से रीग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है बालों की, साथ ही ये बालों के झड़ने को खत्म करता है। और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी होते हैं जो कि हमारे हेयर से किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको खत्म करता है। नेक्स्ट, इसमें हमें 3 से 4 काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च भी हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसको तेजी से बढ़ाने में हेल्प करती है, ये हमारे हेयर को मजबूती देती है, हमारे हेयर की स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ ही स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ साथ हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसको मजबूत बनाकर बालों की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ाती है। अगर सिर में बेबी हेयर्स हैं तो ये बेबी हेयर्स की ग्रोथ को भी बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, अगर काफी समय से ही बेबी हेयर्स की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। अब इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करना है जब तक ये जो पानी है वो आधा ना हो जाए। तभी पानी आधा हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद इसको एक बाउल में हमें स्ट्रेन करके ले लेना है। ये हमारे हेयर की जो स्कैल्प है उसको नई जान देने में बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे हेयर की ग्रोथ होना बंद हो गई है या फिर हमारे सिर में बेबी हेयर्स जो है उनकी ग्रोथ होना बंद हो गई है या फिर बालों की ग्रोथ ही बंद हो गई है, तो ये टोनर जो है वो हमारे हेयर की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ाएगा, हमारे हेयर की बहुत सारी परेशानियों को खत्म करेगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके लिए हमें इसमें 1 चम्मच
कोकोनट ऑयल डालना है जो कि हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा और हमारे बालों को कंडीशनिंग भी करेगा। नेक्स्ट हमें इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल भी हमारे हेयर की स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही हमारे हेयर की स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ये उसको रिमूव करता है, हमारे हेयर की ब्रेकेज या फिर हमारे हेयर की स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करता है। इन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका एप्लीकेशन आपको जब करना है, जब आपको अपने हेयर में शैम्पू करना हो उससे पहले आप चाहें तो इसको ओवरनाइट लगाकर अपने हेयर में रख सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट आपके हेयर को नहीं मिलेंगे। और अगर आपको एक घंटा पहले अपने हेयर में हेयर वॉश से पहले लगाना है तो आप एक घंटा पहले भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छे से इसका एप्लीकेशन आपको अपने हेयर की रूट्स में करना है, सारे हेयर की रूट्स में इसका अच्छे से एप्लीकेशन करें बालों का पार्टीशन करते करते। जब आप इसका अच्छे से अपने हेयर में एप्लीकेशन कर लेंगे तब आप इसको अपने हेयर पे ऐसे ही लगा रहने दें। आप चाहें तो हल्के से अपने हेयर की स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं, इससे आपके हेयर की जो स्कैल्प है उसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ पाएगा। इसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए शैम्पू के साथ में। इस रेमेडी को अगर आप अपने हेयर पे वीक में 3 दिन लगाएंगे तो ये आपके बालों में, तो आपके सिर में अगर गंजापन है या फिर आपके बाल बहुत ही थिन है, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, आपके बालों की क्वालिटी को ठीक बनाएगा, साथ ही आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाएगा और आपके बालों की जो जो झड़ने की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करेगा। रेगुलर आप इसको 1 महीना लगा के देखिए, आपके हेयर को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका एप्लीकेशन कीजिए, जो बेनिफिट मिले वो आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में आके जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मोर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन जो है वो आप जरूर प्रेस करके रखिएगा, इससे क्या है फ्यूचर में जो रेमेडीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।